नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सिंह बादल और आप देख रहे हैं ग्लोबल हाई टेक कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वेबसाइट बनाने का तरीका बताऊंगा, कैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें जो जरूरी है वो है HTML और CSS। HTML का यूज करके हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं। HTML कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या काम किए जाते हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। HTML एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग किसी भी एप्लीकेशन एडिटर पर टाइप करते हैं। एक लैंग्वेज की एक कोड होती है, उस कोड को हम लोग एप्लीकेशन एडिटर पे टाइप करते हैं और एप्लीकेशन एडिटर पे टाइप करने के बाद हम लोग यूज करते हैं HTML का। इसके लिए हमें जो ज़रूरी होती है, या तो हम लोग नोटपैड का यूज करें, या MS Word का यूज करें, वर्डपैड का यूज करें, या किसी भी एप्लीकेशन जिस पर हम लोग लिखते हैं, राइट करते हैं, उस पर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम नोटपैड को ओपन करते हैं, विंडोज आर की, हम यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप करते हैं नोटपैड और ओके करते हैं या इंटर करते हैं, ओके कर दिया हमने, तो हमारा नोटपैड का विंडोज ओपन हो जाएगा। नोटपैड विंडोज ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोड। कोड जो कि HTML के लिए ज़रूरी होता है, HTML के लिए उसका अपना एक टैग जिसको हम लोग अपनी भाषा में कोड कहते हैं, उसको हम लोग टाइप करते हैं। और इस कोड या टैग का यूज कैसे होता है, कैसे किया जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टैग लिखना है, टैग जो HTML का होगा। तो यहाँ पे अगर आपको अपना कोई फॉन्ट पर्टिकुलर पसंद है तो आप उस अपने फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेनू के फॉन्ट ऑप्शन में आते हैं नोटपैड में, यहाँ पे आपको फॉन्ट जो पसंद है आप ले सकते हैं। हमें कैम्बिका बहुत बेस्ट लगता है, कैम्बिका ले सकते हैं। रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक जिसमें आपको यूज करना है तो कर सकते हैं। तो हमें रेगुलर यूज करना है तो रेगुलर हमने ले लिया। साइज हमने इसका 16 कर दिया ताकि ये फॉन्ट बड़ा हो जाए, दिख जाए, अच्छा समझ में आ जाए। उसके बाद ओके करते हैं, यहाँ पर ये आ गया। अगर आपको और भी बड़ी साइज चाहिए तो जैसे 18 या 20 कर ले आसानी से। यहाँ पर हमने इस फॉन्ट को ले लिया है। HTML टैग जहाँ पे हम लोगों का पहला टैग होता है और जिस टैग को हम लोग यूज करते हैं उसे क्लोज भी किया जाता है। जैसे HTML ये हमारा जो टैग होता है ये ओपनिंग टैग के नाम से जाना जाता है और इस टैग को हम लोग क्लोजिंग टैग के नाम से जानते हैं। ओपनिंग टैग जिस टैग को हम लोग ओपन करते हैं वो ओपनिंग टैग कहलाता है। यहाँ पे HTML और ये एंगल ब्रैकेट यहाँ पे लगाया जाता है। और क्लोजिंग में भी HTML लिखते हैं लेकिन इससे पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं और यहाँ पर फिर से वही एंगल ब्रैकेट देते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्लोजिंग टैग और फॉरवर्ड स्लैश के साथ देते हैं, लेकिन ओपनिंग टैग में हम लोग फॉरवर्ड स्लैश नहीं देते, ये बिना फॉरवर्ड स्लैश के होता है ओपनिंग टैग। HTML की सबसे खास बात कि हम लोग यहाँ पर जो टैग देते हैं उस टैग को क्लोज करना ज़रूरी है, मतलब जिस टैग को हमने ओपन किया वो क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा आपको कोड दिखाते हैं कैसे काम होता है। जैसे HTML, उसके बाद टाइटल, जो भी हमें टाइटल देना है, टाइटल का मतलब जैसे कि हम लोग इंटरनेट का जब पेज ओपन करते हैं तो एक टाइटल नाम दिखाई देता है, तो वो टाइटल का नाम क्या आपका होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हमने दे दिया वेब पेज डॉट डॉट डॉट, ये हमने एक नाम दे दिया और इसको क्लोज कर दिया। और यहाँ पे जो हम लोग टैग लिखेंगे, ये टैग आप लोग स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, ये कोई ऐसा जो नहीं केस सेंसिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल दोनों ले सकते हैं, आपके ऊपर जो डिपेंड करता है। टाइटल हमने दे दिया, उसके बाद बॉडी। बॉडी एक टैग होता है जो आपके पेज के पेज का जो अंदर का भाग होता है, जहाँ पे हम अपने फोटो या फिर कोई वीडियो, ऑडियो या कोई टेक्स्ट जो लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर दिया जाता है। यहाँ पे हमने बॉडी दिया, स्पेस BG कलर, ये कलर को चेंज करता है। जैसे कि अगर जो आपका पेज है, पेज के कलर को चेंज करने के लिए BG कलर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे कलर का नाम पिंक, या जो भी आपको नाम पसंद है वो नाम आप यहाँ पे दे दें, या जो आपको कलर अच्छा लगता है वो कलर आप यहाँ पे दे दें। हमने दे दिया रेड। उसके बाद आपको अगर टेक्स्ट का कलर देना है तो टेक्स्ट का कलर हमने दे दिया ग्रीन। और टैग, यहाँ पे हमारा बॉडी टैग पूरा कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हमारा BG कलर, बैकग्राउंड कलर रेड होगा, टेक्स्ट का कलर ग्रीन होगा। इंटर करते हैं,
बैकग्राउंड कलर में हमने लिख दिया गुरुकुल हाई टेक कंप्यूटर, गुरुकुल हाई टेक कंप्यूटर लिखा। उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं बॉडी को, बॉडी हमारा क्लोज हुआ और नीचे हमारा HTML तो क्लोज पहले से हमने किया हुआ था। तो अब यहाँ पे आप देखिए HTML ओपन है तो HTML को क्लोज किया है, टाइटल ओपन है तो टाइटल को क्लोज किया है, बॉडी ओपन है तो बॉडी को क्लोज किया है। जो बीजी कलर है ये से ऑप्शन होते हैं, तो हमें जो टैग है वो सिर्फ बॉडी है तो बॉडी को ही क्लोज करना होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हमें बॉडी बीजी कलर क्लोज करना है, कुछ नहीं, सिर्फ बॉडी को। यहाँ पे स्पेस आ गया, स्पेस का मतलब होता है कि वो उसके अंदर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें किसको क्लोज करना है, बॉडी को। जहाँ पे भी स्पेस आएगा उसका मतलब होता है कि वो उसके अंदर का ऑप्शन है। आप उनको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मतलब बॉडी जो है यहाँ पे आप सिंपल इस तरह भी टैग लिख सकते थे, लेकिन हमें एक कलर देना था इसलिए हमने बीजी कलर का यूज किया। हम इसे हटाते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा एक कंप्लीट टैग हो चुका है, कोड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे कोड कंप्लीट करने के बाद आपको फाइल में जाना है, यहाँ पर सेव करना है। पहली बार सेव या सेव एज कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हमने सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पे सेव एज का ही खुला। हम डेस्कटॉप पर आते हैं, डेस्कटॉप पर यहाँ पे फाइल का नाम दिया जाता है, जो भी आपको फाइल का नाम देना हो, जैसे हमने दे दिया वेब डॉट HTML, ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है। मतलब अगर हमें वेब पेज या HTML के कोड को सेव करना है तो वेब डॉट HTML ये देना जरूरी है, HTML लिखना जरूरी। या तो हम लोग 3 कैरेक्टर तक HTML तक भी लिख सकते हैं, या तो 4 कैरेक्टर HTML तक पूरा लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको पूरा कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमने इसको सेव किया ये डेस्कटॉप पर। अब आप यहाँ देखेंगे ये वेब में सेव हो चुका है। अब आप अपने इस टैग को अगर बंद करना चाहे, क्लोज करना चाहे तो क्लोज कर दीजिए, अभी फिलहाल हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ये वेब में ओपन हो चुका है। अब जब भी इसको ओपन करेंगे या तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में होगा या गूगल क्रोम में। अगर पहली बार है तो आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपको किस फॉर्मेट में ओपन करना है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। हम गूगल क्रोम में ओपन करते हैं, हमें बेस्ट गूगल क्रोम लगता है तो इसलिए हम गूगल क्रोम में ओपन करें। अगर आपने गूगल क्रोम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको दे रहा है कि ये HTML की फाइल है, तो ये इन्हीं में ही किसी एक्सप्लोरर में ओपन होगा, मतलब आपके सामने जो ब्राउजर होते हैं उसी में ओपन किया जा सकता है, अदरवाइज और किसी में ओपन नहीं किया जा सकता। तो हम इसको गूगल क्रोम में ओपन करते हैं। अब ये गूगल क्रोम में ओपन होने के बाद बाय डिफॉल्ट ये गूगल क्रोम का पेज बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। अब जब भी ओपन करेंगे ये गूगल क्रोम में ही हमेशा ओपन होगा। ये रन कर रहा है, रन करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये पेज का कलर रेड है और जो टेक्स्ट में लिखा है गूगल हाईटेक कंप्यूटर ये ग्रीन कलर में, तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट डार्क है। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज भी आसानी कर सकते हैं। जो कोड हमने मिनिमाइज किया था इस कोड को वापस हम लेते हैं और कलर हमने यहाँ पर दे दिया पिंक, और जो हमारा ग्रीन कलर है इसको हमने दे दिया ब्लू, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से सेव करने की जरूरत है। अब सेव एज की जरूरत नहीं है, सेव जैसे आप सेव करेंगे आपके फाइल में ऑलरेडी सेव हो चुका है, आप सेव कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए वापस, या तो आप इस पेज को दोबारा ओपन कर लीजिए क्लोज करके, या एक और आसान तरीका है कि इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश करेंगे तो जो कोड हमने लिखा है जो सेव किया वो फिर से आ जाएगा। तो रिफ्रेश का शॉर्टकट की F5 होता है, या तो यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं रीलोड दिस पेज, ये रिफ्रेश कर देगा, या कंट्रोल R करेंगे तो भी ये रिफ्रेश हो जाएगा या रीलोड हो जाएगा। तो हम लोग या तो F5 कर दें, कंट्रोल R कर दें, या फिर यहाँ पर इस रिफ्रेश बटन को या रीलोड बटन को हम क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हमने यहाँ किया। अब आप देखिए यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया है और ये कोड आ चुका है, ठीक है। तो जो भी हमने कलर दिया था, जो हमने फॉन्ट का कलर दिया था, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपके कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और जो हमने टाइटल दिया, टाइटल पे आप देख सकते हैं वेब पेज लिख के भी आया है, ठीक है। अगर हम बाद में टाइटल को चेंज करना चाहें तो टाइटल यहाँ चेंज कर देंगे, कलर चेंज करना चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना तो टेक्स्ट कलर, और जो फॉन्ट चेंज करना है यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर, मतलब ये जो पेज का पूरा एरिया होता है, इस पेज के पूरे एरिया में हम लोग बॉडी के अंदर ही जो वर्ड देना है दे सकते हैं, उसके बाहर या बॉडी के पहले नहीं देना है, मतलब बॉडी के अंदर ही ये सारे काम हमें कंप्लीटली करने। ओके, एक इसकी और खासियत, अगर कभी कभी क्या होता है कि नोट पैड क्लोज हो जाए और ये विंडोज भी क्लोज हो जाए, ठीक है, तो आप वेब को ओपन करते हैं तो आपके सामने ये आपका वेब पेज तो ओपन हो गया। अब आपको अपना कोड चाहिए, तो कोड चाहिए तो फिर क्या करेंगे, अभी तो कोड दिख नहीं रहा है। कोड के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन होता है व्यू पेज फॉर,
जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल यू भी है। ओके, तो व्यू पे फर्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक अलग पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपका जो कोड होगा वो कोड यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। कोड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोड दिखाई देने के बाद या तो आप इस कोड को कॉपी कर लो कंट्रोल सी करके और फिर से नोट पैड ओपन कर लो और नोट पैड पे पेस्ट करके फिर से इसको सेव कर दो। ये काम करके फिर इसमें एडिटिंग किया जा सकता है। या जो दूसरा तरीका होता है वो तरीका ये है कि आप इसको टच भी ना करो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको टच ना करो, सीधे आप ओपन करो नोट पैड को। नोट पैड को ओपन करने के बाद फाइल में जाओ, ओपन पे क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपका कहाँ पे है, डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर अभी वो पेज दिखाई नहीं देगा, वेब, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी दिखाई नहीं देगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम सीधे फाइल का नाम लिख दे वेब डॉट एस टी एम एल, जैसे लिख करके ओपन करेंगे ये कोड हमारा ओपन हो जाएगा, अगर हमें नाम पता है तो। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ओपन में आइए। यहाँ पर अभी दिखाई नहीं देगा तो ये ऑप्शन होता है कि जो फाइल दिखाई दे रहा है फाइल का टाइप वो सिर्फ TXT सिर्फ नोट पैड के फाइल को दिखेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको अपना भी फाइल देखना है तो ऑल फाइल। ऑल फाइल में आने के बाद यहाँ पर आपका जो पेज था उसका नाम क्या था, वेब, ठीक है। वेब को सेलेक्ट करते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे आपका कोड ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, क्लोज किया विंडोज आर, नोट पैड को हमने ओपन किया, नोट पैड को ओपन करने के बाद फाइल में गए, ओपन, ओपन के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है ऑल फाइल, ऑल फाइल में क्या था, वेब, ओपन, ये कोड ओपन हो गया। बाद में आप इसमें चेंज करते हैं, जैसे कलर, कलर हम हटा देते हैं, हम कलर कोई नहीं देते हैं, तो कलर यहाँ से हट जाएगा, टेस्ट कलर ब्लू होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइल में गए, सेव किया, सेव करने के बाद वेब में आते हैं, डबल क्लिक, ओपन हुआ, कलर हमारा क्या हुआ, हट गया, और जो हमारा टेस्ट का कलर था वो गूगल हाईटेक कंप्यूटर ब्लू कलर में दिखाई देगा, और जो टाइटल था वो टाइटल हमें दिखाई देगा। अगर आपको टाइटल देने की जरूरत नहीं है तो आप टाइटल को भी हटा सकते हैं, डिलीट कर दिया, ठीक है। फिर फाइल में गए, सेव किया, रिफ्रेश किया, रीलोड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टाइटल हट गया ना, सिर्फ ये फाइल का नाम दिखेगा वेब डॉट एस टी एम एल, जो हमने फाइल का नाम दिया था, ठीक। अगर आपको फिर से कलर चाहिए तो बीजी कलर इक्वल टू जो भी आपका कलर है, आपके दिमाग में जो भी कलर है आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे दे दिया येलो, ठीक है। स्पेस होना चाहिए, बॉडी स्पेस बीजी कलर इक्वल टू येलो, ठीक है। स्पेस टेस्ट इक्वल टू ब्लू, आप इसको डबल इन्वर्टेड कोड में भी लिख सकते हैं जो कलर का नाम है तो भी ये काम करेगा, और डबल इन कोड में नहीं लिखते तो भी ये काम करेगा। एक्चुअली W3C जो वेब कोड को लिखने के लिए, HTML कोड को लिखने के लिए एक संस्था है, इसमें पहले 2012 के पहले हम लोग डबल इन्वर्टेड कोड में कलर का नाम देते थे, लेकिन 2012 के बाद इसमें ये कर दिया गया कि अगर आप डबल कोड में नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा, ये रन करेगा, यहाँ पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। अभी एक देखते हैं, फाइल सेव, फिर से रिफ्रेश, इस बार हम F5 दबाते हैं, रिफ्रेश हो चुका, ठीक है। अब आप देखिए पेज का कलर चेंज हो गया येलो, और यहाँ पे जो आपने दिया है वो टेक्स्ट है और टाइटल हट चुका है, तो ये काम आसानी से हो रहा है, ठीक। तो ये आज की पहली क्लास है जहाँ पे आज आपने सीखा कि कैसे हम लोग HTML को कोड को क्रिएट करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ये सारे काम आज आपने सीखा, वेब पेज कैसे ओपन होता है। फिर कल की मेरी अगली क्लास होगी जहाँ पर हम आपको वेब पेज को नोट पैड में ना ओपन करके हम लोग नोट पैड प्लस प्लस में ओपन करेंगे, ये नोट पैड प्लस प्लस है जहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, और इसमें कोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, काफ़ी अच्छा है नोट पैड प्लस प्लस, जिसमें हम लोग आगे काम करेंगे, और इसके बारे में कल हम बताते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद।